আমি জনাই আছো আপোনাক কৃষক বিদ্রোহ 2.0 খবর, যত নেকি দেশের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্ষণত দ্বিতীয়বারের বাবে দিল্লী কপাবলে সাজু হয়েছে কৃষক বিদ্রোহে। মূলত পাঞ্জাব, হারিয়ানা আর উত্তর প্রদেশের কৃষকর 2 শতাধিক সংগঠনের হাজার হাজার কৃষকে বাদ বুলিছে দিল্লী। আজি বিদ্রোহী কৃষকর দিল্লীত চলো প্রতিবাদী কার্যসূচী। লক্ষণীয়ভাবে দিল্লীত চলো কার্যসূচীর পূর্বে সোমবারে অর্থাৎ 12 ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে বিদ্রোহী কৃষক নেতৃত্বই করা আলোচনাত নুলাল কোনো সমাধান সূত্র। আলোচনাত ন্যূনতম সমর্থন মূল্যের নিশ্চিতি লাভ নকরিলে বিদ্রোহী কৃষকসকলে, আর তার পিছতে পূর্বে ঘোষণা করা মর্মেই দিল্লী কপাবলে আগবাড়িছে প্রতিবাদী কৃষক। আমি পোনপটিয়া সম্প্রচার এই মুহূর্তে আগবাইছো, চাও কেনেদরে 2020 বর্ষত যে প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করে সমগ্র দেশ কপাইছিল কৃষকসকলে, ঠিক তেনেদরে আকু এবার দিল্লী কপাবলে দেশ কপাবলে সাজু হয়েছে। খেতি এরি, পথার এরি, ট্রেক্টর লৈ দিল্লী অভিমুখে বাদ বুলিছে এই সকল কৃষকে। ইয়াত দিল্লী অভিমুখে রওনা হয়েছে হাজার হাজার ট্রেক্টর। ইয়ার পূর্বেও অনুরূপ দৃশ্য দেখিলে পোৱা হৈছিল 2020 চনত। এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষর সূত্রপাত হয়েছিল 2020 চনের কৃষক বিদ্রোহের সময়ছোৱাত। আর সেই কৃষক বিদ্রোহে এনেকা পর্যায় পাইছিলগৈ যে অবশেষত কেন্দ্রীয় সরকারে কৃষক বিদ্রোহের ওসর ক্ষীণত করবলে বাধ্য হয়েছিল। বহু বিতর্কিত কৃষি আইন বাতিল করবলে বাধ্য হয়েছে। আর এই মুহূর্তে দিল্লীর এই প্রতিবাদী কার্যসূচীর বিষয়ে আমাক সবিশেষ জানাব পোনপটিয়া সম্প্রচারত সংযুক্ত হয়েছো হিমাংশু শুক্লার সঙ্গে। হিমাংশু, হাম আপসে জানা চাহেঙ্গে কেসে তৈয়ারি অভি চল রা হে কিষানো কা ইয়ে এজিটেশন কে লিয়ে। बिल्कुल, देखिए आपको सीधी तस्वीरें नोएडा और दिल्ली बॉर्डर की दिखाते हैं। ये चिल्ला बॉर्डर है नोएडा दिल्ली का, और आप तस्वीरें देखिए, भारी संख्या में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, और यहां पर देखेंगे तमाम जगह बैरिकेटिंग्स कर दी गई है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पे भारी संख्या में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, फिर चाहे नोएडा की बात कर ले नोएडा के हिस्से में, और या दिल्ली के हिस्से में बात कर ले, दोनों तरफ फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। बैरिकेटिंग की व्यवस्था कर ली गई है और कई लेयर की बैरिकेटिंग्स की भी गई है, लिहाजा यहाँ पर ट्रैफिक भी इसी वजह से स्लो है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, ये नोएडा का एंट्री गेट है, और यहाँ पर तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ट्रैफिक स्लो बना हुआ है, लिहाजा क्योंकि लगातार जो नोएडा दिल्ली का चिल्ला बॉर्डर है उस पर चेकिंग की जा रही है, उस पर वाहन जो संदिग्ध हैं उनको रोक कर पूछताछ की जा रही है, लिहाजा ट्रैफिक स्लो है। और यहाँ पर अगर नोएडा के हिस्से में बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती की गई है, नोएडा पुलिस, पीएसी, पैरामिलिट्री, और दिल्ली में भी यही स्थिति है, रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ सीआईएसएफ लगाई गई है। लिहाजा यहाँ पर देखेंगे आप कि कुछ जगहों पर सीमेंटेड कॉन्क्रीट जो बैरियर्स हैं वो भी रखे गए हैं, लाए गए हैं, ताकि जो रास्ता है उन्हें चोक किया जा सके अगर किसान दिल्ली कूच का जो ऐलान किया है। हालांकि यहां पर जो ज्वाइंट सीपीएसएस खालसी हैं दिल्ली के, उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत की है, उन्होंने बताया कि हम हर तरीके से तैयार हैं लेकिन ऐसी नौबत नहीं आने देंगे, किसानों से वार्ता की जाएगी, और किसानों को लेकर जो सरकारें हैं और जो यहां पर लॉ एंड ऑर्डर है वो भी संजीदा है, लिहाजा किसानों को कोई तकलीफ ना हो, इसके साथ साथ जो आम आदमी है उसको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि ट्रैफिक आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो समस्या है इस समय ट्रैफिक की है, ट्रैफिक स्लो है, और ये जो है वो लाइफलाइन कहलाई जाती है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, क्योंकि पीछे से ग्रेटर नोएडा से परिचौक से ट्रैफिक आता है और रोजाना लाखों की संख्या में लोग निकलते हैं। अगर एक अनुमान की बात करें तो करीब करीब 5 लाख फुटफॉल है यहाँ पर वाहनों का, हर रोज 5 लाख वाहन निकलते हैं गुजरते हैं जो नोएडा और दिल्ली को कनेक्ट करते हैं, ये लाइफलाइन है, नोएडा और दिल्ली की लाइफलाइन है ये एक्सप्रेसवे। लिहाजा इसको जिस तरीके से अब ये छावनी में तब्दील है, यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है, पुलिस के अधिकारी हैं। गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो यहाँ से ज्वाइंट सीपी है, दिल्ली से बात करें तो दिल्ली के ज्वाइंट सीपी है, और वहां पर कोऑर्डिनेशन मीटिंग की जा रही है और इसी को लेकर यहाँ पर अलर्ट भी है। साथ ही आपको बता दें कि आप देखेंगे एक एक करके कितनी बैरिकेटिंग्स है, यहाँ पर शुरुआती तौर में ये बैरिकेटिंग्स लगाई गई हैं, उसके बाद कुछ आगे थोड़े दूरी पर दूसरी बैरिकेटिंग है, उसके आगे कुछ और दूरी पर बैरिकेटिंग है, यहाँ पर बुलडोजर भी बुलाए गए हैं, यहाँ पोपलेन्स भी बुलाई गई है जो मशीन्स है, ताकि अगर इमरजेंसी ऐसी स्थिति बनती है तो वहां पर पूरी व्यवस्था की जाए, जो कॉन्क्रीट के बैरियर्स हैं उनको रखा जाए, और पूरी तरीके से किसानों को रोकने के लिए पूरी तैयारी है। हालांकि अधिकारियों का ये कहना है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। देखा जाए तो एक तरफ
सुरक्षा एक तरफ देखा जाए हिमांशु, एक तरफ देखा जाए तो ये भारी इंतजाम पुलिस की तरफ से, और दूसरी तरफ देखा जाए तो किसानों का भी ये पन लिया है कि आर हो या पार, जैसे भी हो दिल्ली पहुंचना है। देखिए जाहिर तौर पे जिस तरीके से कल चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे थे, किसानों के बीच में कई घंटों की वार्ता हुई थी, लेकिन वो बेनतीजा निकली। किसानों का कहना है कि कोई भी ठोस आश्वासन नहीं मिला है, इसलिए दिल्ली चलो का अभियान जारी रहेगा। तमाम किसान संगठन है जिसमें मुख्यतः अगर बात करें तो हरियाणा और पंजाब के किसान है जो यहाँ पर दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं और इसी को लेकर हाई अलर्ट है। नोएडा के तमाम बॉर्डर्स, देखिए इस समय हम एक बॉर्डर पे मौजूद हैं, इसको चिल्ला बॉर्डर कहते हैं, नोएडा का सेक्टर 14A है और यहाँ ये लाइफलाइन भी है क्योंकि यहाँ 500,000 वाहन रोजाना गुजरते हैं, तो आम आदमी को जाहिर तौर पर तकलीफ होगी, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जो संदिग्ध वाहन दिख रहे हैं उनको चेक किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे पर डिप्लॉयमेंट किया गया है, जेवर और बुलंदशहर से लगे होने वाले एरिया पर डिप्लॉयमेंट किया गया, और नोएडा और दिल्ली से जो सटे हुए तमाम बॉर्डर से, फिर चाहे झुंडपुरा की बात हो, कालिंदी कुंज की बात हो, डीएनडी की बात हो, इन तमाम बॉर्डर्स पे भी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया। लेकिन पुलिस का सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो इसी बॉर्डर पर है और इसी के चलते यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया। आपको बता दें जिस जगह हम खड़े हुए हैं ये वाटर कंटेनर है, इस चीज की भी तैयारी की गई है। आप देखिए, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको दिखाएं, ये वाटर कंटेनर्स है, यहाँ वाटर कंटेनर जो है इसकी भी तैयारी की गई है कि एक्सट्रीम लेवल पर अगर स्थिति खराब होती है तो उसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। वाटर कंटेनर्स की अगर जरूरत पड़ेगी कंटेनर्स की तो इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि जगह जगह पर पुलिस की टुकड़ी, पुलिस के अधिकारी, पुलिस के सिपाही, पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सभी चीजें तैनात हैं और कई टुकड़ी लगातार धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती जा रही फोर्स का डिप्लॉयमेंट। और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि ना सिर्फ जमीनी स्तर पे आम आदमी को दिक्कत हो, सोशल मीडिया पे भी वो लगातार बनाए हुए हैं, नजर रखे हुए हैं कि सोशल मीडिया पे इस तरीके की कोई चीजें ना आए, लिहाजा पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है और नोएडा और दिल्ली के बीच में कोऑर्डिनेशन बेहतर हो इसको लेकर यहाँ के जॉइंट सीपी दोनों जगहों के पहुंचे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं ताकि हिमांशु, जो हजारों ट्रैक्टर में से किसान लोग आ रहे हैं अभी दिल्ली तक, तो उन लोगों को कहां रुका जाएगा? देखिए आपको बता दें कि जो तीन बॉर्डर्स हैं जो गाजियाबाद से दिल्ली से सटे हुए हैं, सबसे प्रमुख है गाजीपुर बॉर्डर, टिगड़ी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर, यहां पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा किया हुआ है। गाजियाबाद जो है वो दिल्ली, गाजियाबाद और दिल्ली का बॉर्डर लगता है, गाजीपुर वहां पर तो व्यवस्था कल से ही कर ली गई थी। गाजीपुर में जिस तरीके की तस्वीरें आई वो भी साफ स्पष्ट है कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो गाजीपुर में ही किसानों को रोकने के लिए जहां आज से 2 साल पूर्व किसान बैठे थे वहीं कहीं जगह दे दी जाएगी। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर जो है वहां पर कंक्रीट के बैरियर्स लगाए गए हैं, सीमेंट लगाई गई है, सरिया लगा दिए गए हैं और जो दिल्ली पुलिस के वाहन है वो खड़े कर दिए गए, लिहाजा गाजीपुर बॉर्डर में जो तैयारियां हैं वो ज्यादा पुख्ता की गई हैं कि अगर ऐसी स्थिति पड़ती है। हिमांशु थोड़ी देर जुड़े रहे हमारे साथ, जुड़े रहे थोड़ी देर। एक कौन भी है, ये बच्ची खड़ी है, ये साड़ी लड़की के बराबर है और आज पत्रकारों जो दिल्ली में इसने वो एक लीडर है जो अपना घर छोरन सिंह बोलता है, इन बच्चियों की छातियों के ऊपर चढ़े। अरे हम मर गए क्या? हम मर गए क्या? मेरा देश मर गया? पहले किसान जवान, फिर पहलवान, फिर नदान, कहां कहां इन्होंने काम किया? जय जवान भाई, ये मेरी जो आवाज है आत्मा की आवाज है, होम मिनिस्टर के पास पहुंचाओ। मेरा नाम हरभजन सिंह फौजी है, मैं जी आप इसका ऑन करो, मैं डिफेंस कॉलोनी का हूँ और भजन सिंह मेरा नाम है और मैं डरता नहीं, हर पत्रकार के साथ मैं अपना गिला शिकवा करता हूँ। आज हमारे साथ खड़े हो, अगर लाठी चार्ज होगा आपने पहले लगना है, हमारे से पहले आप हो, ऑक्सीजन हो आप मेरी, आप ऑक्सीजन का काम कर रहे हो, देश में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी पर पत्रकार नहीं खत्म हुआ था। पत्रकारों के सहारे ही देश है, आप अपने किसान भाइयों के कारण जा रहे हैं। किसान भाइयों के कारण तो है ही हम, जो पंजाब के नौजवान डेली तिरंगे में लिपट के आ रहे हैं ना, उनको रिसीव करने आए हैं, उनका वेलकम करने आए हैं और दिल्ली तक ले जाएंगे।
पूरे देश से प्यार है। अभी आप वेट करेंगे जब वो लोग इधर आएंगे तब तक आप यहाँ पे, ये अपना हम अपना जो अगला रास्ता है हम खुद क्लियर करेंगे, इसमें बताने की जरूरत नहीं। बाकी ये ऑक्सीजन का काम करना, कार्बन डाइऑक्साइड का मत काम करना, पत्रकारों आपके सहारे है देश। अगर जम्मू की आवाज उठी है 370 तारा टूटी, आप लोगों ने आगाह किया गवर्नमेंट को, बाकी जैसा चाहे हो चाहोगे। আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ, এয়া কৃষকসকলৰ ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটাইছে তেওঁলোকে। চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে ক্ষোভ, আৰু সেই ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটাবলৈ দিল্লী অভিমুখে ৰাওনা হৈছে। হিমাংশু আছে আমাৰ সৈতে দিল্লীৰ পৰা। হিমাংশুৱে দেখুৱাই আহিছে কেনেদৰে দিল্লী আৰক্ষীয়ে বেৰিকেড স্থাপন কৰিছে, অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে বিদ্ৰোহ দমন কৰিবৰ বাবে। জি হিমাংশু, আম জানা চাহেংগে হাজাৰো কিষাণোনে পেডেল আ ৰহা হে, খেত ছোড়কে হাজাৰো কিষাণ ট্ৰেক্টৰ চে আ ৰহা হে। जो 2020 में जो छवि हमको देखने को मिला था, क्या उससे भी बड़ा होगा इस बार ये विद्रोह, क्योंकि 200 से भी ज्यादा किसान यूनियन शामिल है इस प्रोटेस्ट में। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि हरियाणा और जो पंजाब है उसके किसानों ने ऐलान किया था, उसी के बाद से ये अलर्ट भी है। और आप देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ गौतम बुद्ध नगर साइड में, नोएडा साइड में जो पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं, फिर चाहे जॉइंट सीपी की बात हो, डीसीपी की बात हो, ये तमाम एसीपी सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और आपको बता दें लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है, जो तमाम अधिकारी हिमांशु हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे किसानों को अरेस्ट भी किया है। अभी वो तस्वीरें हम अभी दिखा रहे हैं और अमी देखो या न्यूज 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক বহু কৃষক, বহু প্ৰতিবাদী কৃষক ইতিমধ্যে সীমান্তত আহি উপস্থিত হৈছে। দিল্লী সীমান্তৰ প্ৰৱেশ পথত এনেদৰে আৰক্ষী, নিৰাপত্তা আৰক্ষী তাত মোতায়েন কৰা হৈছিল। আমি সেই দৃশ্য আপোনাক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ, এক্সক্লুচিভ দৃশ্য। আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী, এয়া বহু সংখ্যক প্ৰতিবাদকাৰীক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে, বহু প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰি লৈ যোৱা হৈছে। বিদ্ৰোহ দমন কৰা হ'ব যিকোনো প্ৰকাৰে, আৰু তাৰ বাবে আৰক্ষী সষ্টম হৈ আছে, নিৰাপত্তা আৰক্ষী সষ্টম হৈ আছে প্ৰতিটো প্ৰৱেশ পথত, আনকি ৰাস্তাই ৰাস্তাই গজাল পুতি হ'লেও। আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, চাওক কেনেদৰে গজাল সদৃশ ব্যৱস্থাপনাৰ জৰিয়তে কৃষক বিদ্ৰোহ দমন কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে। এয়া দেখুৱাইছোঁ আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দিল্লীৰ পৰা। দিল্লীৰ প্ৰতিটো প্ৰৱেশ পথত, তিনিটাকৈ সীমান্ত পথত প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আটক কৰা হৈছে, কেইবাজনো প্ৰতিবাদী কৃষকক আটক কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাইছোঁ, লগতে দৃশ্যও দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। হাজাৰ হাজাৰ কৃষক ইতিমধ্যে পঞ্জাৱ, হাৰিয়ানা, উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা দিল্লী অভিমুখে ৰাওনা হৈছে, আৰু এই সময়ছোৱাত বহু প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰা হৈছে, যাতে কোনো প্ৰতিবাদকাৰীয়ে দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে। সমুখত 24ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন, কৃষক বিদ্ৰোহে চৰকাৰক, মোদী চৰকাৰক কলঠেকত পেলাব পাৰে, ইয়াকে লৈ চৰ্চা চলি আছে, আৰু তাৰ মাজতে আৰক্ষী অস্ত্ৰ হৈছে। এয়া আটক কৰাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, এক্সক্লুচিভ দৃশ্য, পোনপটীয়া দৃশ্য দিল্লীৰ পৰা। প্ৰচণ্ড শীত নেওচি প্ৰতিবাদী কৃষকসকল পুৱতি নিশাৰ পৰাই ধাৱমান হৈছে, দিল্লীলৈ বাট গুলিছে, আৰু সেই প্ৰতিবাদকাৰী কৃষকসকলক দমন কৰিবৰ বাবে পানীৰ বাহন সাজু কৰি ৰখা হৈছে, বৰুণ সাজু কৰি ৰখা হৈছে, কন্দুৱা গেছ সাজু কৰি ৰখা হৈছে। মুঠৰ ওপৰত প্ৰতিবাদে যাতে ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিব নোৱাৰে, প্ৰতিবাদক লৈ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে, তাৰ বাবে সষ্টম আৰক্ষী প্ৰশাসন। আৰু ইতিমধ্যে ইয়াৰ মাইক যোগে ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসন। ये सभी सुने, इस एरिया में धारा 144 लागू है, अगर आप यहाँ से तितर बितर नहीं होए तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुने, इस क्षेत्र में धारा 144 लागू है, यहाँ से आप जल्दी चले जाए। আৰু এয়া জয় জোৱান জয় কিষাণ শ্লোগানেৰে উত্তাল হৈছে ইতিমধ্যে সীমান্ত। ৰাজধানী অভিমুখে আগবঢ়া হাজাৰ হাজাৰ কৃষকৰ বহুজনক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে, আটক কৰি লৈ যোৱা হৈছে প্ৰতিবাদী কৃষকসকলক, আৰু ইতিমধ্যে হাৰিয়ানা পঞ্চকুলাত 144 ধাৰাও জাৰি কৰা হৈছে।
जी हिमांशु शुक्ला, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अभी अभी हमारा हमारे दर्शकों को, तो देखने को मिल रहा है कि बहुत सारा किसानों को अभी डिटेन किया गया है। देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर फिलहाल जो गाजीपुर बॉर्डर पे हम मौजूद है, यहाँ पे डिटेन जैसी स्थिति नहीं है क्योंकि अभी यहाँ पर कोई किसान नहीं पहुंचा है, लेकिन लगातार इनपुट्स मिल रहे हैं उसी को लेकर यहाँ पर हाई अलर्ट है। इस बॉर्डर पर हाई अलर्ट है और आपको तस्वीरें दिखाएंगे, नीचे सीआरपीएफ तैनात है, पुलिस के अधिकारी मौजूद है, कमांडोज तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है, पीएसी तैनात है, तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। आपको बता दें भारी संख्या में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट इसी मद्देनजर किया भी गया है कि यहाँ पर जो किसानों की आने की इनपुट्स है उसको देखते हुए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, तमाम जो फोर्सेज है उसका डिप्लॉयमेंट कर दिया गया, फायर ब्रिगेड भी देखिए सेफर साइड रखी गई है, इसके अलावा क्रेन्स भी रखी गई है कि वाहनों को टो करने की अगर जरूरत पड़ेगी तो वाहनों को टो भी किया जाएगा। फिलहाल जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं यहाँ पर और किसी को कोई समस्या ना हो इसी को देखते हुए तमाम जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण यही बॉर्डर है जहाँ पर इस समय मौजूद है, चिल्ला बॉर्डर है और चिल्ला बॉर्डर पे आपको स्थिति दिखाएंगे। देखिए सामने की तरफ अगर बात करें तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जेसीबी लगाई गई है और जेसीबी के अलावा पीछे बैरिकेडिंग की गई है और जो हिस्सा जहाँ हम खड़े हैं ये नोएडा से दिल्ली की तरफ रास्ता जाता है, लिहाजा यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा की गई है। और उसके अगर दूसरी तरफ का हिस्सा देखेंगे, दूसरी तरफ आप देखेंगे पूरी तरीके से फ्री है, पूरी तरीके से आम आदमी को परेशानी नहीं हो रही, ना वहाँ पे बैरिकेटिंग की गई है आने जाने में कोई तकलीफ होगी। फिलहाल जो लोगों को आम आदमियों को जो चुनौती का सामना करना पड़ रहा है वो इसी जगह करना पड़ रहा है क्योंकि जो नोएडा से और नोएडा ग्रेटर नोएडा पीछे ये रास्ता बुलंदशहर होते हुए गाजियाबाद होते हुए तमाम कनेक्टिविटी के साथ ये दिल्ली को कनेक्ट करता है, इसीलिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ पर आम आदमी को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक की स्थिति देखेंगे तो आप ट्रैफिक भी काफी स्लो है। हिमांशु क्या लगता है आपको, इससे पहले भी ये सवाल आपको पूछा है कि क्या लगता है 2020 से भी ज्यादा होगा ये विद्रोह? देखिए आपको बताएं जो तैयारियां हैं किसान की उसको लेकर तो लग रहा है कि काफी संख्या में और बहुतायत में इस बार किसान आएंगे, ज्यादा संख्या में किसान आएंगे, इसी को लेकर यहां पर हाई अलर्ट है। फिलहाल नोएडा में भी हम लोगों ने जिस तरीके से देखा था, पूर्व में भारतीय किसान यूनियन भानु और तमाम अंबावत और जो भी अन्य संगठन है वो तमाम संगठन यहाँ पर जगह जगह बैठे थे और इस समय जहाँ हम मौजूद है चिल्ला बॉर्डर यहीं पर 56 दिन के लिए किसान बैठे थे और ये रास्ता पूरी तरीके से बंद था, पूरी तरीके से चोक्ड अप था, ये ट्रैफिक यहाँ से नहीं आता था, यहाँ पे डाइवर्जन किया गया था, लिहाजा वो 56 दिन बाद यहाँ से खत्म हुआ था। फिलहाल इसी स्पॉट पर लोगों की निगाहें हैं क्योंकि एक बार अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो आम आदमी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा समस्या होती है, ये लाइफलाइन है ये नोएडा गाजियाबाद और पीछे ग्रेटर नोएडा जेवर। हिमांशु इस वक्त आपको बहुत बहुत शुक्रिया, ये चिल्ला बॉर्डर से आपने ये लाइव टेलीकास्ट में आपने बताया अभी कैसी तैयारियां पुलिस की तरफ से कर रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और ये चिल्ला बॉर्डर 2020 दिन धरी কৃষকসকলে অবস্থান কৰি পথ অৱৰোধৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি জনজীৱন স্থবিৰ কৰি তুলিছিল, যাতায়াত বিঘ্নিত কৰি তুলিছিল আৰু ঠিক তেনেদৰে এইবেলিও এই একেই পন্থাৰে প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে দিল্লী কপাবলৈ সাজু হৈছে, সীমান্ত অভিমুখে ৰাওনা হৈছে আৰু যাৰ বাবে পঞ্জাৱ হাৰিয়ানাৰ সীমান্ত ইতিমধ্যে ছিল কৰি দিয়া হৈছে। খবৰধাৰ অব্যাহত ৰাখিম, লৈছো আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। তাতে বন ধ্বংস যিখিনি পাপ সেইখিনি আমি ভুগিছো, এতিয়া বন ধ্বংস আমিয়ে কৰিছো, আমাৰ হয়তো আমাৰ বিভাগ জড়িত আছিলে হয় আমি পাব্লিক জড়িত আছিলো, যিয়ে নহওক বন ধ্বংস কৰিছিলো কাৰণে আজি বন্যাহস্তি জনাঞ্চললৈ গুচি আহিছে, তো সেইকাৰণে এতিয়া উপায় নাই, কেইবাৰ আজি 3 বছৰমান হল আমি ইয়া মানে অবিৰতভাৱে দৈনিক আমাৰ প্ৰায় 20-25খন গাঁও আৱৰি পেলাই থকা অঞ্চলটোত ৰাতি সোমাই পেলাই বিভিন্ন মানুহ হতাহত হৈছে বা নিজৰ খেতি পথাৰ অনিষ্ট হৈছে, সেইকাৰণে এই পদক্ষেপটো ল'ব লগা হ'ল। এইটো ঝাটকা চিম্পল এটা মানে ছ'লাৰ ফেঞ্চিং এটা, এইটো আজিকালি জেনেৰেলি কৰে, তো আমি তিতাজখলা
কিলিং নদীৰ পৰা খিতাজখলা অঞ্চল গোটেই অঞ্চলটোক লৈ পেলাই আপ টু পেপাৰ মিলৰ পুৰণা আমাৰ পেপাৰ মিললৈকে এইখিনি প্ৰায় আমি এতিয়া তিনি কিলোমিটাৰ কৰিছোঁ আৰু দুই কিলোমিটাৰ আমি আশা কৰিছোঁ দুই কিলোমিটাৰ পাৰিম। গতিকে পাঁচ কিলোমিটাৰ এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ, পাঁচ কিলোমিটাৰ হ'লে অন্ততঃ পঁচিছ ত্ৰিছখন গাঁও দুটামান তিনিটামান পঞ্চায়ত আমি কভাৰ কৰিব পাৰিম। আৰু সেয়াই নহয়, অকল হাতী ৰোধ কৰিলেই নহ'ব, হাতী আমি অহা বহাগৰ পৰা আমি কিন্তু পাহাৰত গছ গছনি লগোৱা আৰু মূল্যৱান গছ আমাক নালাগে, মূল্যৱান গছ নালাগে, আমি ফল ফুল থকা গছবিলাক হাতী মানে হাতী বুলিয়েই নহয় পশু পক্ষীৰ কাৰণে যিখিনি লাগে সেইখিনি আমি তাত দিব পৰাকৈ আমি ৰাইজে নিজে ওলাই আহিম। তাত আমি আহ্বান জনাম যে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাক সহযোগ কৰিব। এতিয়া থাকিল এই পদক্ষেপটোত আমি আটাইতকৈ হেৰি ল'ব লাগিব, শলাগ ল'ব লাগিব যে আমাৰ স্থানীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা কথাত তেওঁ হঠাৎ এই এই পদক্ষেপটোত তেওঁ আগুৱাই আহিছে আৰু তেখেতে যথেষ্ট সহযোগ কৰিছে, বলিষ্ঠ তেওঁৰ পদক্ষেপত ৰাইজৰ সহযোগত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ একান্ত ইচ্ছাত এনেকৈ মিলি পেলাই ইয়াত হৈছে। গোটেই মানে পুৰুষ মহিলা মিলি ওলাই আহিছে, বিভিন্ন অঞ্চলত ওলাই আহিছে, নিজৰ নিজৰ গাঁৱৰ যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমান্তৰালভাৱে আছে গতিকে সেই হিচাপত প্ৰতি গাঁৱৰ পৰা মানুহ ওলাই আহিছে আৰু এটা জন জাগৰণো হৈছে। আৰু সেই এতিয়া আমি এই হাতীৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো সংঘাত নহয় তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি অনাগত দিনবিলাকত ৰাইজৰ লগত সজাগতা হিচাপে আমি আগবাঢ়ি যাম। বন বিভাগ আৰু WWF-এও বন বিভাগৰ সহযোগ আছে, বন বিভাগৰ সহযোগ আছে, লগতে WWF আমাৰ টেকনিকেলি যিখিনি লাগে তেওঁলোকে গোটেই ছাপোৰ্ট কৰিছে। এইটো মুখ্যতঃ ক'ব লাগিব ৰাইজ আৰু মন্ত্ৰী, স্থানীয় মন্ত্ৰী, এই দুইজনৰ মানে চেষ্টাত এই আজি হয়তো যোৱাকালি আমি টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিলোঁ তিনি কিলোমিটাৰ, আমি ছাকচেছ হৈছোঁ, তেওঁলোক ঘূৰি গৈছে, গণ বন্য ঘূৰি গৈছে, কিন্তু ঘূৰি গ'লে খাব কি এইটো এটা মনত দুখ এটা আছে। গতিকে সেই খাবলৈকে আমি অহা এই খৰালিত কেইদিন নোৱাৰি অহাবাৰ আমি এই বাৰিষা আহিলে আমি কিন্তু বনাঞ্চলত আমি গছ ৰোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। নিশ্চয়, যিহেতু হাতী মানুহৰ সংঘাত আৰু খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই আহে বনৰীয়া হাতীসমূহ আৰু তাৰ পৰিণতিত দেখা যায় যে জনাঞ্চলৰ যি মানুহৰ লগতে হাতীৰ সংঘাত হয় আৰু সেই সংঘাত ৰোধ কৰিবলৈ এতিয়া বিশেষ এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে স্থানীয় বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু স্থানীয় ৰাইজ ইয়াত সহযোগ আগবঢ়াইছে। আৰু তেনেধৰণে দেখা গৈছে যে ছ'লাৰ ফেঞ্চিঙৰ এক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰাৰ এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ জাগীৰোডৰ এই আমলিঘাটত গ্রহণ করা হয়েছে। নমস্কাৰ, মই বিজু কুমাৰ ডেকা, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। নিৰ্বাচনৰ বতৰ, নিৰ্বাচনৰ বতৰত নিৰ্বাচনৰ বাতৰি এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ লোকসভা নিৰ্বাচন যিকোনো মুহূৰ্তত দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে দিন বাৰ ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। চলিত মাহতেই এই নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি কৰিব দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে। এই মুহূৰ্তত এটা লোকসভা সমষ্টি অসমৰ, সেই সমষ্টিৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ সন্মুখত কেতবোৰ তথ্য দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে মই বিচাৰিম। সেইটো হ'ল শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পাছত শোণিতপুৰ, আগৰ তেজপুৰ সমষ্টিত এইবাৰ শোণিতপুৰ নামেৰে জনা যাব, আৰু এই শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত এইবেলি শাসক পক্ষই কাক প্ৰক্ষেপ কৰিব আৰু বিৰোধী পক্ষৰ তৰফৰ পৰা কাক প্ৰক্ষেপ কৰিব সেই লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলি আছে। এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিম, কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে বিশেষভাৱে অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিছে, সেয়া হ'ল বৰ্ণালী ফুকন আৰু প্ৰেমলাল গুঞ্জ। এই দুগৰাকীৰ ভিতৰত এগৰাকীয়ে টিকট পোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত 15টা ৰাজনৈতিক বিৰোধী দল একত্ৰিত হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনত। তেওঁলোকে একেলগে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি শাসকীয় বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ বাবে যি ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে সেই ৰণকৌশলত আউল লগা দেখা গৈছে শেহতীয়াকৈ, কিয়নো সমষ্টি ভাগ বতৰা অৰ্থাৎ আসনৰ ভাগ বতৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বত একত্ৰিত হোৱা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত ভাঙোন আহিছে। আপে নিজাববীয়াকৈ ইতিমধ্যে তিনিটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে, ঘোষণা কৰিলেই তাৰ বিপৰীতে শাসকীয় বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা ব্যাপক ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰা। বুধবাৰে বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতী পূজা। সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে ৰাজ্যত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে প্ৰতিটো শিক্ষা অনুষ্ঠানত ব্যস্ততা। সমান্তৰালকৈ তিনিচুকীয়াৰ মৃৎশিল্পীসকলেও দেৱীৰ মূৰ্তিসমূহত শেষ পৰশ দিয়াত ব্যস্ত হৈছে। তিনিচুকীয়াৰ খৰ্গেশ্বৰ পথৰ ৰাহুল মণ্ডলৰ কাৰখানাত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল একেই ব্যস্ততা আৰু গ্ৰাহকৰ ভিৰ। ইফালে গহপুৰতো বিদ্যালয়ে চলিছে সৰস্বতী পূজাৰ প্ৰস্তুতি। সমান্তৰালকৈ মৃৎশিল্পীসকলে অন্তিম পৰশ দিছে দেৱী সৰস্বতীৰ প্ৰতিমাত। গহপুৰৰ মা কালী শিল্পালয়ৰ পৰা গহপুৰৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়সমূহলৈ যোগান ধৰা হয় বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিমা। বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতী পূজা উদযাপন কৰা হ'ব কাইলৈ।
প্রতিখন শিক্ষানুষ্ঠানতে উখল মাখল পরিবেশে বিরাজ করব। ছাত্র ছাত্রীসকলের মাজত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা সরস্বতী পূজাক লৈ সকলে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী দেবীর বন্দনা করব। শৈক্ষিক বর্ষ ভাজাতে ভালদরে পার হয় তারে কামনা করে কাইলৈ রাজ্যের প্রতিখন শিক্ষানুষ্ঠানত ছাত্র ছাত্রীসকলে উদযাপন করব সরস্বতী পূজা। আর ইয়ার সহ বাতরির বিদায় লৈছো, নমস্কার।